हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टेक बैग चैनल और आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत दिन के बाद एक बड़ा वीडियो बना रहा हूँ। वो है क्या है? वो देखिए, बहुत सारे लोग ओएलएक्स पे अकाउंट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ओएलएक्स में जो अकाउंट करते हैं उस अकाउंट बैंड हो जाता है। उसको अनबैंड करने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए आज का वीडियो है। तो चलिए देरी मत करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं बताना चाहता हूँ ओएलएक्स पे जो आप अकाउंट करते हो, ठीक है, कोई सामान बेचने के लिए, तो वो अकाउंट कैसे डिलीट होता है। पहले इसको मैं बताता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ वो ओएलएक्स अकाउंट को अनबैन आप कैसे कर सकते हो। ओएलएक्स अकाउंट को अगर आप पहले प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर से और गूगल से आपको और फेसबुक से आपको अकाउंट करना होगा। मेरा ये ओएलएक्स अकाउंट है, देखिए मैंने गूगल पे अकाउंट किया है, लेकिन मुझे ये दिखा रहा है ये मेरा अकाउंट बैन हो गया है, ठीक है। लेकिन ये बैन कैसे हो सकता है? देखिए, ओएलएक्स ने बहुत सारा अपडेट किया है, ओएलएक्स में बहुत सारा फॉर्जरी हो रहा है, इसलिए ओएलएक्स बहुत सारा सिक्योर करने के लिए ये अपडेट किया है, जो फॉर्जरी नहीं हो। ओएलएक्स में बहुत सारा कस्टमर का रुपया गया है, तो इसलिए ओएलएक्स बहुत सिक्योर हो गया है। सो इसलिए मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा कि अगर आप ओएलएक्स में अकाउंट करें तो कैसे करें। ओएलएक्स में अकाउंट करने के लिए आपको गूगल में एक ही अकाउंट करना होगा। अगर आपके पास मोबाइल एक ही है और उस मोबाइल पे आप गूगल पे और जीमेल पे दो तीन अकाउंट करते हो, ठीक है, और दो तीन नंबर यूज़ करते हो, तो आपका अकाउंट बैन हो जाता है, ठीक है, ये बैन होगा ही होगा। तो अगर आप आपका फ़ोन नंबर से आप ओएलएक्स में अकाउंट करो, तो वो जो आप फ़ोन नंबर से अकाउंट करते हो, अगर कस्टमर आपका नंबर चाहे किसी भी सामान आपको ऐड किसी भी सामान को आप ऐड दिया है, टीवी हो, फ्रिज हो और मोबाइल हो, तो अगर आपका कस्टमर आपके पास नंबर चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि आपका जिस नंबर पे आप अकाउंट किया है ओएलएक्स पे, उसी नंबर को देना होगा। अगर उस नंबर के सिवा कोई और नंबर देंगे, तो वो ओएलएक्स आपका अकाउंट बैन कर देगा, डेफिनेटली कर देगा। ये भूल बहुत सारा लोग रिसेंट टाइम में करता है। 2022 में ओएलएक्स बहुत अपडेट किया है, तो इसलिए बहुत सारा लोगों का ये प्रॉब्लम दिखा जा रहा है कि ओएलएक्स अकाउंट बैन हो जाता है ऐसे करके। अगर आपके पास कोई आप जो जीमेल में आपको अकाउंट किया है, एक ही अकाउंट आप किया है और उस पे जो नेम है, वो जब ओएलएक्स में जो नेम है वो नेम अगर आप चेंज कर दोगे, तो उस पे भी आपका ओएलएक्स अकाउंट बैन हो सकता है। तो ऐसे दो तीन तरह ओएलएक्स अकाउंट बंद हो सकता है, डेफिनेटली आपका बंद होगा। वो जो नंबर का बारे में बताया वो तो होगा ही होगा। अगर आपके पास दो मोबाइल है, दो मोबाइल पे दो सिम आप लगाते हो, लेकिन आप जिस नंबर पे ओएलएक्स पे अकाउंट किया है कस्टमर को, वही ओएलएक्स अकाउंट आपको देना होगा। अगर कोई दूसरा नंबर दिया हो, तो आपका अकाउंट एकदम बैन हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा आप, ठीक है। ये जो बैन अगर हो जाए तो आपको क्या करना होगा? बहुत सारा यूट्यूबर ये बोल रहा है कि अगर आपको ओएलएक्स का जो अकाउंट अनबैन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जीमेल करना होगा ओएलएक्स टीम को, ओएलएक्स कंपनी को, और जीमेल करके आप ये जो स्क्रीन खुला है उसको स्क्रीनशॉट लेके उसमें अटैच कर दीजिए और उसमें ओएलएक्स में ईमेल कर दीजिएगा, तो ओएलएक्स अकाउंट आपको 24 आवर्स में अनबैन हो जाएगा। नहीं, ऐसे करके कोई अनबैन नहीं होगा। मैं बहुत सारा ट्राई किया है, मेरा बहुत सारा अकाउंट ओएलएक्स में बैन हो गया है। तो अनबैन करने के लिए आपको क्या करना होगा? ओएलएक्स जो अकाउंट आप किया है वो आपका बैन हो गया, उसके बाद आपको क्या करना होगा? ओएलएक्स कंपनी को फ़ोन करना होगा। किस नंबर पे फ़ोन करना होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो नंबर है 1-860-258-3333। इस नंबर पे आपको कॉल करना होगा, ठीक है। और जिस नंबर पे आप ओएलएक्स पे अकाउंट किया है उसी नंबर पे
उसी नंबर से आपको कॉल करना होगा, ठीक है। तो ओएलएक्स बहुत क्विकली आपको जो अकाउंट बैन हुआ है, किस कारण बैन हुआ है वो समझ सके, ठीक है। और ओएलएक्स पे ये नंबर पे कॉल करने के बाद कब कब कॉल करोगे ये भी बोल देता हूँ। ओएलएक्स जो कंपनी है वो सुबह 10 बजे से रात 7 बजे तक फ़ोन पिकअप करता है, तो इसी टाइम पे आपको फ़ोन करना होगा, ठीक है, कॉल करना होगा। अगर इसके बाद फ़ोन करोगे तो ओएलएक्स पे फ़ोन नहीं लगेगा। तो फ़ोन करने के बाद आपको चाहेगा आप किस भाषा में सुनना चाहते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, तो एक दबाए, दो दबाए, जो प्रॉब्लम आपको जो है आपका प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के माध्यम से आप ओएलएक्स में कॉल करके जो जो ओएलएक्स कंपनी वालों ने आपको पूछा होगा पूछेंगे वही आपको जवाब देना होगा, ठीक है। जब आपको जब प्रॉब्लम ओएलएक्स कंपनी को आप बताओगे, ओएलएक्स कंपनी आपका मोबाइल का जो ओएलएक्स में अकाउंट है वो अनबैन कर देंगे 24 आवर्स में, ठीक है। और एक बात, ओएलएक्स अकाउंट अनबैन 24 आवर्स के बाद ओएलएक्स जो आप अकाउंट किया है ओएलएक्स में जो आप ऐप है उसे आपको अनइंस्टॉल कर देना होगा, फिर प्ले स्टोर से आप ओएलएक्स को आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। फिर आपको ओएलएक्स ओपन करना होगा, ऐसे करके आप ओएलएक्स में आप अकाउंट अनबैन कर सकते हो। ये है लेटेस्ट जो अनबैन का प्रक्रिया है, अनबैन का वे है, मैं आज इस वीडियो में बोला। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल टेक बाइट, उस टेक बाइट चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।